मुख्यमंत्री भगवंत मान अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे नतमस्तक होए अते पंजाब दी शांति तरक्की अते खुशहाली लई अरदास कीती। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र धरती ना सिर्फ सिखां लई सगों समुची मानवता लई प्रेरणा स्रोत है। भगवंत मान ने कहा कि इस पवित्र धरती ते माता गुजरी जी समेत बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी वालों दित्ती शहादत सदियों तो पंजाबियों नू ना इंसाफी जुल्म अते दमन विरुद्ध लड़न लई प्रेर रही है। भगवंत मान ने भोरा साहब के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि छोटे साहबजादों वालों निक्की उम्र में जो महान कुरबानी दी गई है उसकी दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई होर मिसाल होवे। भगवंत मान ने कहा कि वह परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि उन्हां दी सरकार का हर कदम पंजाब नूं देश का मोहरी सूबा बनाने के उद्देश नाल होवे। मुख्यमंत्री ने यह अरदास भी की कि सूबे में फिरकु सद्भावना शांति अते भाईचारक सांझ दीआं कदरां कीमतां हर लंघदे दिन नाल होर मजबूत होण। उन्हां कहा कि सूबे दे लोकां ने उन्हां दी सरकार नूं वड्डा फतवा दित्ता है जिस करके उन्हां इस पवित्र अस्थान ते आके अकीदत भेंट कीती अते लोकां दीआं सारीआं आसां पूरीआं करन लई परमात्मा दा आशीर्वाद रहा। बाद विच पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल शहीदी सभा दौरान लखां श्रद्धालु इस अस्थान ते दर्शन करन आउंदे हन, इसलिए सूबा सरकार इस नगर नूं पूर्ण रूप विच नवा रूप देवेगी। उन्हां कहा कि किसी भी श्रद्धालु नूं यात्रा दौरान किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे, इस नूं यकीनी बनाउण लई एक विहारक ढांचा बनाया जाएगा। बाद विच मुख्यमंत्री गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के दफ्तर विच गए जिथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार करनैल सिंह पंजोली ने उन्हां दा अते उन्हां दे साथियों का सन्मान भी किया।